गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलीब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि जो एंजाइटी होती है या जो चिंता करने की प्रॉब्लम होती है या टेंशन पालने की जो प्रॉब्लम होती है उसके क्या कोई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। आज मैं एंजाइटी जो एक रिएक्शन है या एंजाइटी जो स्टेट है उसके रिस्क जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। Now look at the anxiety। जहां तक एंजाइटी का सवाल है या जो चिंता करने की आदत है यह हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में शामिल है, लेकिन यह शॉर्ट लास्टिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर एंजाइटी लंबे समय से परसिस्ट करती है, बार बार होती है, लगातार आपको लगता है कि आपको एक इंटेंस चिंता बनी सी रहती है, तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, जो वास्तव में बीमारी की श्रेणी में आता है। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर लंबे समय तक चलेगा तो यह पैनिक अटैक्स लेके आएगा, और जो पैनिक अटैक से वो कुछ मिनट लगेंगे जिसमें आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ट्रेमर्स आएंगे, स्वेटिंग होने लगेगी। तो अगर कंटिन्यूअस एंजाइटी स्टेट है तो बीच बीच में आपको पैनिक अटैक्स आएंगे। नाउ लुक एट The रिस्क फैक्टर्स। जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है इज द जेनेटिक्स। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है एंजाइटी डिसऑर्डर की या फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि रिस्क आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होने की ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई जीन आइडेंटिफाई हुई हो कि ये जीन्स अगर आपकी बॉडी में है तो आपको एंजाइटी होगी, लेकिन जीन्स एक रोल तो प्ले करती हैं। अभी तक कोई एंजाइटी जीन जैसे कोई जीन पहचान में तो नहीं आई, बट जो एसोसिएशन है वो काफी कॉमन है कि जहां फैमिली हिस्ट्री में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर फैमिली ट्री है ऑफ द डिप्रेशन या जेनेटिकली जो ना देयर इज ए हिस्ट्री, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिप्रेशन डेवलप हो सकता है या एंजाइटी डेवलप हो सकती है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो पहला जो रिस्क फैक्टर हुआ वो हुआ जेनेटिक्स। द नेक्स्ट वन इज द पर्सनालिटी। आपकी सोशल ट्रेट कैसी है, आपके जो पर्सनालिटी है वो कभी डिटरमाइन करती है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा। अगर आपको जो सोशल सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा शाइनेस होती है या आप झिझकते हैं या आपको बहुत संकोच या शर्म होती है, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। अगर आप क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ओवर सेंसिटिव हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत उस पर ध्यान देते हैं, गहन चिंतन करते हैं, आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप घंटों उसी के बारे में सोचते हैं, तो अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं क्रिटिसिज्म के लिए तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। नाउ थ्री इसके, अगर आपको डिटेल्स के लिए फिक्सेशन है, कि आपको डिटेल्स के लिए फिक्सेशन है, तो छोटी छोटी चीजें भी अगर डेविएट होंगी तो वो आपको एंजाइटी करेंगी। तो अगर आपको आदत है फिक्सेशन फॉर डिटेल्स तो एंजाइटी के लिए रिस्क फैक्टर है। एंड नंबर चार है कि अगर आप मॉरल रिजिडिटी लेके चलते हैं कि मैं बिल्कुल जो कहता हूं यही सही है और बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए, अगर मॉरल रिजिडिटी आपकी एक बिहेवियर में शामिल है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होगा, ये रिस्क फैक्टर है। तो पर्सनालिटी का जहां तक सवाल है वो रिस्क फैक्टर हो जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर, दैट इज जेंडर। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता या टेंशन की बीमारी होने की जो संभावना है वो पुरुषों की तुलना में ऑलमोस्ट डबल होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर की इंसिडेंस ज्यादा है, पैनिक डिसऑर्डर के जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है, स्पेसिफिक फोबियाज होने का इंसिडेंस ज्यादा है, डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। तो जो फीमेल जेंडर है वो हमेशा एंजाइटी जो डिसऑर्डर है उसके लिए ज्यादा लोड प्रोन होते हैं। नाउ लुक एट द लोनलीनेस, ये नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है। अगर आपको आदत है अकेलेपन की, आप डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं लोगों से, आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं, यह एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप कॉन्स्टेंटली आइसोलेटेड रहते हैं या आइसोलेटेड फील करते हैं तो यह एंजाइटी डिसऑर्डर को प्रिसिपिटेट करता है, इससे एंजाइटी डिसऑर्डर होगा। एंड यह विशेष सर्कल हो जाएगा कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, आप अकेलापन चाहेंगे, आप ज्यादा अकेले रहते हैं आपको और एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, तो यह एक चक्रव्यूह तैयार हो जाता है। तो लोनलीनेस इज अ रिस्क फैक्टर, इसलिए जो सोशल बॉन्डिंग है बिकम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू। द नेक्स्ट वन इज द एब्सेंट पेरेंट।
जो एब्सेंट पेरेंट है, वट एवर मे बी द रीजन, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर है। साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर आप पेरेंट आप 18 साल की उम्र के पहले लूज कर देते हैं, वट एवर मे बी द रीजन, एंजाइटी डिसऑर्डर होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। जो दूसरे जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वायलेंस है फैमिली में, अल्कोहलिज्म है, सेक्सुअल अब्यूज है, ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर को प्रिसिपिटेट करने की ताकत रखती हैं। बट एब्सेंट पेरेंट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो वास्तव में एंजाइटी लेके आता है। द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज द फिजिकल इलनेस। कोई भी फिजिकल इलनेस आती है जो लॉन्ग टर्म है एंड थोड़ी सी सीरियस है, अगर ऐसा है तो वास्तव में ये आपको एंजाइटी डिसऑर्डर लेके आएगी। अगर हार्ट की बीमारी हो गई, एंजाइटी जो है ना एक डेवलप हो जाएगी। अगर डायबिटीज हो गई, एंजाइटी एक डेवलप हो जाएगी। अगर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, वो एंजाइटी लेके आएंगी। अस्थमा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ड्रग विथड्रॉल है, इन सब से जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है वो आता है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए कोई भी जो फिजिकल इलनेस है वो एक रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आती है। द नेक्स्ट वन इज कि अगर कोई ऐसा आपका काम है जो आपको कॉन्स्टेंट स्ट्रेस देता है, मान लीजिए कि आपका काम ऐसा है, वर्क प्लेस ऐसा है जो लगातार आपको स्ट्रेस लेके चलता है। से फॉर एग्जाम्पल आप सोल्जर हैं और वार में होते हैं तो लगातार आपको स्ट्रेस लेती है, तो कोई हाई एक्टिविटी वर्क प्लेस है वो आपको एंजाइटी स्टेट की तरफ पुश करता है। जो ऑनगोइंग वरीज हैं अबाउट इलनेस, फाइनेंशियल इश्यूज, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रेस जो ना अफेयर्स, ये जो इस तरह की सब जो चीजें हैं ये वास्तव में रिस्क फैक्टर हैं आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। तो कोई भी ऐसा कंटिन्यूस स्ट्रेस है तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कराने की ताकत रखता है। ऐसे ही अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये रिस्क फैक्टर फॉर एंजाइटी। अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के ऑलमोस्ट 50-60-70% जो पेशेंट्स हैं उनको एंजाइटी जो डिसऑर्डर है साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो डिप्रेशन एक रिस्क फैक्टर है फॉर एंजाइटी। नाउ द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज द ट्रॉमा। जो ट्रॉमा है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो कुछ ना कुछ तो जो है एंजाइटी लेके चलता है। साइंटिफिकली अगर आपको 21 साल के पहले कोई भी हाई स्ट्रेस इवेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, या कोई वायलेंस हुआ, या कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो वास्तव में इसका इस तरह का जो ट्रॉमा है वो एंजाइटी डिसऑर्डर लेके चलेगा। ये वास्तव में एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे कहते हैं PTSD। जब भी PTSD डेवलप होगा तो वास्तव में आप इस तरह का जो इवेंट है जो आपके साथ हुआ है ये आपको सपने में दिखाई देता है, ये ऑब्सेसिव मेमोरी बन जाता है, और जब भी ऑब्सेसिव मेमोरी में आएगा तो एंजाइटी डिसऑर्डर प्रिसिपिटेट होगा और आपको स्वेटिंग होने लगेगी, पेल्पिटेशन होने लगेंगे, ट्रेमर्स आने लगेंगे। तो कोई भी ट्रामा है वास्तव में एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज द सब्सटेंस अब्यूज। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको आदत है अल्कोहल मिसयूज की, बिंज ड्रिंकिंग की, अगर आपको आदत है ड्रग्स की, तो वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एंजाइटी डिसऑर्डर को प्रिसिपिटेट करेंगी। ये जो एंजाइटी स्टेट है वास्तव में डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप इन चीजों में इंडल्ज करते हैं तो आप खुद अगर पलट के देखें तो आपको शेम महसूस होती है, आपको एम्बरेसमेंट महसूस होता है, आपको बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी एंजाइटी स्टेट को और प्रिसिपिटेट करती हैं। तो जो सब्सटेंस अब्यूज हैं या जो नशे की आदतें, चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग्स हो, वास्तव में एंजाइटी स्टेट के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये एंजाइटी के लिए हैं। इनमें इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके जो है ना जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है, आपको कहीं कोई नशे की आदत तो नहीं है। ये जो सब चीजें हैं ये रिस्क फैक्टर जैसा काम करती हैं फॉर एंजाइटी स्टेट। तो इसलिए आपको इनको रिस्क फैक्टर्स को पहचानने की जरूरत है और इसमें जहां जैसा सुधार कर सकते हैं उसको सुधार करने की जरूरत है। तो अगर एंजाइटी के रिस्क फैक्टर को आप समझेंगे, उनको इंप्रूव करेंगे, उनको डिसवेड करेंगे, तो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 खत्म हो जाएगी या अलग हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको इस प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।